हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस महामारी एक ऐसा दुश्मन है जिससे लगातार पूरी दुनिया एक जंग लड़ रही है और इसके लिए सबके पास एक हथियार भी मौजूद है, कोरोना वायरस वैक्सीन। और उसके साथ लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है और इस वायरस को हराने के लिए लगातार मेहनत की जा रही है। लेकिन ये वायरस यानी कि ये दुश्मन ऐसा है जो हर बार एक नया रूप अख्तियार करता है और हमारे सामने नई मुसीबतें खड़ी कर देता है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक तरीका है इस वायरस को हराने का, वो है खुद को सुरक्षित रखना, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना, खुद को सैनिटाइज रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाना। लेकिन ये वायरस लगातार नए नए रूप परिवर्तित कर रहा है और टेंशन को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब से स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो साथ ही में नेजल वैक्सीन का भी इंडिया में अगले हफ्ते तक ट्रायल शुरू हो जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है। इसी के साथ ही ये भी सूचना है कि जल्दी और वैक्सीन हमारे पास होगी, यानी कि ऑप्शंस होंगे। इस तरह की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स होती हैं जो तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न करती हैं, जैसे कि कभी कभार खुशी और शांति का माहौल तो कभी टेंशन और परेशानी का माहौल। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे हमारे देश में कोरोना का हाल। देश में कोरोना वायरस मामलों में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का दौर अभी भी जारी है। गुरुवार को जितने मामले सामने आए थे उसकी तुलना में शुक्रवार को मामलों में कमी देखी जा रही है। शुक्रवार को दैनिक मामलों में कमी के साथ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,383 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 113 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस से मरने वाले कुल लोगों की संख्या 157,548 हो गई है। दूसरी अपडेट, ब्रिटेन में आया कोरोना का नया वेरिएंट हो सकता है ज्यादा खतरनाक, तेजी से बढ़ सकते हैं मामले। ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पुराने वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा प्रभावी और खतरनाक साबित हो सकता है। ये वायरस पहले के वायरस की तुलना में ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों में प्रसार कर सकता है, और अगर एक बार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ तो ये मामले पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। एक रिसर्च मैगजीन साइंस में पब्लिश्ड एक स्टडी में ये दावा किया गया है कि ये कोरोना वायरस पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इस वायरस के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल इस स्टडी में ये कहा गया है कि अगर इस साल स्कूल और कॉलेजेस को दोबारा बंद करना और वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी नहीं दिखाई गई तो 2021 में इंग्लैंड में सारे हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमितों से भरे होंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि 2020 की तुलना में 2021 में कोरोना संक्रमितों की संख्या और कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि सच में एक डराने वाली बात है। इसलिए जितना हो सके इस वायरस से बचने की खुद कोशिश करनी चाहिए, साथ ही सरकार को भी इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरी अपडेट, महाराष्ट्र पालघर में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, 3 साप्ताहिक बाजार को बंद करने का दिया आदेश। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना संक्रमितों के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसके बाद कलेक्टर मानिक गुरसाल ने 3 साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल जिले में अभी तक कोरोना के कुल 46,110 नए मामले सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो वहीं अभी तक 1,025 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। तो वहीं साथ ही में महाराष्ट्र में ठाणे भी कोरोना केसेस की रफ्तार में पीछे नहीं है, इसमें भी लगातार कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। यहां पर पिछले 24 घंटे में 818 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,66,910 हो गई है। चौथी अपडेट, कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी रिलायंस, नीता अंबानी ने कहा नए दौर की ओर बढ़ रहा है भारत। कोरोना वायरस के खिलाफ अब कॉर्पोरेटेड वर्ल्ड भी अपने कर्मचारियों के प्रति वैक्सीनेशन का खर्च उठाने की प्रतिबद्धता की ओर बढ़ रहा है। अब ऐसे में रिलायंस कंपनी भी अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के टीकाकरण का खर्चा खुद उठाने वाली है। दरअसल हाल ही में नीता अंबानी ने अपने कर्मचारियों को एक पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने ये कहा है कर्मचारियों से कि उनकी कंपनी कर्मचारियों और उनके परिवारों को कोरोना वैक्सीनेशन का खर्चा वो खुद उठाएंगे। नीता अंबानी ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि योग्य कर्मचारी जल्द से जल्द भारत सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर हमारी कंपनी रिलायंस कंपनी आपके टीकाकरण का सारा खर्च वहन करेगी। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पांचवी अपडेट, भारत में पहली बार एक दिन में 10 लाख लोगों को लगाया गया
कोरोना टीका। भारत में जब से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक ये पहला मौका है जब भारत में एक दिन में 10 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। अब से पहले ये संख्या 7 से 8 लाख तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने के बाद 1 मार्च से बुजुर्ग लोगों यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और बीमार लोगों यानी कि 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसी के साथ ही इस बार निजी अस्पतालों को सरकार की ओर से टीकाकरण शुल्क 250 रुपए लेने के आदेश भी दे दिए गए हैं। जिसके साथ ही आपको बता दें कि जब से निजी अस्पतालों में टीकाकरण की शुरुआत हुई है तब से लगातार टीकाकरण में तेजी देखी जा रही है। तो साथ ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये भी कहा गया है कि जब से टीकाकरण की शुरुआत हुई है और निजी अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है तब से लेकर अब तक 1.77 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। और अब ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अब कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में और तेजी आएगी। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।